मेट्रो जनपद की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो। कोच जालौन आजादी के अमृतकाल पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार लगातार प्रयासरत हैं, जिससे संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाया जा सके। इसी मिशन के तहत नगर पालिका परिषद कोच को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 6 कूड़ा वाहनों को दिया गया है, जिससे नगर को स्वच्छ व साफ रखा जा सके। इन वाहनों के लोकार्पण के लिए वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने दिन शनिवार को नगर पालिका परिषद कोच में पहुंचकर उन्होंने पालिका के पटलों को देखा, जहां छोटी मोटी कमी पाए जाने पर उन्हें 7 दिनों के अंदर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके उपरांत जिलाधिकारी व नगर पालिका अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता ने SBM के अंतर्गत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हुए आए वाहनों का हरी झंडी दिखाकर लोकार्पण करते हुए नगर सफाई के लिए उन्हें रवाना किया। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौर्य, सफाई निरीक्षक हरिशंकर निरंजन, RI सुनील कुमार, शाहिद पाल का परिवार और सभासद गण मौजूद रहे। नहीं, ये औचक निरीक्षण नहीं है, ये व्यवस्थित निरीक्षण था। वार्षिक निरीक्षण होता है, इसमें जो जन सुविधाएं हैं वो देखी जाती हैं कि जन्म प्रमाण पत्र, मृत प्रमाण पत्र, लोगों के भवन का नामांतरण, कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं, निर्माण कार्यों से संबंधित पत्रावलियां, जनरल अभिलेखों का रख रखाव, सामान्य कार्य प्रणाली को देखा और परखा जाता है, तो वो देखा गया और कई चीज़ों पे निर्देश दिए गए, हिदायत दिए गए कि 7 दिन के अंदर अभियान चला करके पूरा करें। नगर की सफाई के लिए व्यापक रात में सफाई के लिए और उसके निर्देश दिए गए हैं। 6 वाहन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है वो स्वच्छ भारत मिशन के अभियान के तहत उपलब्ध कराए गए थे। आज माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी ने और लोगों ने उसको वो किया हुआ है कि जा करके गली गली डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हो, ताकि नगर कोच स्वस्थ और अच्छा, सुंदर और हरा भरा रहे। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।